हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ वो है वैक्यूम डिओडोरिंग फ्लोरिंग। तो वैक्यूम डिओडोरिंग फ्लोरिंग क्यों होता है, इसको करने का फ़ायदा क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, और ये करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, उसका टोटल जो प्रोसीड्योर होता है वो मैं आपको जो है समझाऊँगा आज। और ये थोड़ा लंबा जाने वाला है टॉपिक, तो थोड़ा जो है ध्यान से जो है देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमको जानना पड़ेगा जो VDF फ्लोरिंग एक्चुअली क्या है। तो वैक्यूम डिओडोरिंग फ्लोरिंग मेथड इज़ अ सिस्टम फॉर लेइंग हाई क्वालिटी कंक्रीट फ्लोर्स विद सुपीरियर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। द की टू द यूज़ ऑफ दिस मेथड इज डिओडोरिंग ऑफ कंक्रीट बाय वैक्यूम प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोला जाता है, ये जो डिओडोरिंग फ्लोरिंग है ये एक ऐसा जो एक जो है अपना मेथड है, ये जो है पहली बात तो ये है इफेक्टिवनेस है, मतलब इसको पैसा जो है फाइनल जो अपना कॉस्ट इफेक्टिव जो अपना होता है फाइनल में हम लोग देखा जाता है कि मोर देन सफिशियंट है। मतलब कोई भी दूसरा जो हम लोग मेथड हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो उससे जो है फ़ायदेमंद रहता है। और दूसरा क्या होता है, इससे जो होता है कंक्रीट का जो है कंक्रीट का जो अपना क्वालिटी है वो जो हाई रहता है। और तीसरा और एक जो है एक जो है वैक्यूम से हम लोग करते हैं। ये वैक्यूम का मतलब क्या है, वैक्यूम मतलब हम लोग पंप से करते हैं। पंप से कैसे करते हैं, इसका जो कंक्रीट इसका वाटर पंप से। तो ये चीज़ मैं आपको जो है समझाऊंगा आगे। चले शुरू कर। इसका प्रोसेस मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसका प्रोसेस क्या है, ये जो पहले जो सबसे पहले हमको जो मतलब VDF फ्लोरिंग करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, वो जो है कंक्रीट जहाँ पे हम लोग करेंगे वो सरफेस पे हम लोग जो रेनफोर्समेंट बांधा है तो वो रेनफोर्समेंट चेक करना पड़ेगा। वो रेनफोर्समेंट चेक करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा बहुत चीज़। तो एक नंबर जो चीज़ है वो है इसका कवर प्रॉपरली है या नहीं, रेनफोर्स एक एक जो है बाइंडिंग ठीक से आया कि नहीं। और एक चीज़ जो हम लोग को देखना पड़ेगा, ये जो VDF फ्लोरिंग हम लोग जो अपना करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर VDF फ्लोरिंग करेंगे तो ये जो करते हैं अपना टोटल एरिया यही है, और VDF फ्लोरिंग हम लोग टोटल में जो है नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पैनल में जो है डिवाइड कर देंगे। तो एक मान लीजिए 3 मीटर बाय 6 मीटर का जो एक पैनल, ठीक है, तो ये पैनल में हम लोग करेंगे तो इसका सरिया तो जो है ऐसे लगाएंगे कि बाद में हम लोग अगर यहाँ पर कंक्रीट करेंगे इसके बाजू वाले में तो इसको लैपिंग जो प्रॉपरली आ सके। एक जो आ गया आपका लैपिंग, और दूसरा और एक आ गया जो अपना डाउल्स बार। ये मान लीजिए आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन में पहले तो आ गया आपका लैपिंग, दूसरा आ गया डाउल्स बार। डाउल्स बार किस लिए देते हैं, डाउल्स बार इसलिए देते हैं कि इंटरलॉक हो जाए मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। एक तो आ गया आपका जो आपका लैपिंग हो गया, जो अपना कंप्रेसिव जो अपना स्ट्रेस आएगा और वो क्या करेगा स्टील के माध्यम से जो है दूसरा जो है अपना पेमेंट में जो है ट्रांसफ़र करेगा। और इंटरलॉकिंग करने के लिए दोनों जो अपना पेमेंट को इंटरलॉक जो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डाउल्स बार यूज़ करते हैं। तो डाउल्स बार 42 mm का होता है, 32 mm का होता है, वो 450 mm जो आता है मार्केट में, ठीक है। तो हम आगे पोरिंग, कंक्रीट को पोर करना आप देख सकते हैं, पिक्चर मैंने जो है यहाँ पर लगाया है आप लोगों के लिए समझने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये जो चल रहा है, ठीक है, पोरिंग चल रहा है, मतलब कंक्रीट जो है डाल रहा है चैनल, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर हम लोग जो कंक्रीट जो है कर रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं चैनल वाइब्रेटर, ठीक है, और डबल बीम चैनल वाइब्रेटर भी इसको जो है बोला जाता है, ठीक है। इसको जनरली जो है चैनल वाइब्रेटर जो है हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, लोकल ट्रांस में। और इसको साइड में, ये साइड में जो आप देख सकते हैं कि कंक्रीट जो प्रॉपरली उसको लाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं MS चैनल। तो MS चैनल जब लगाएंगे तो हम लोग पहला जो एक चीज़ चेक करेंगे उसका लेवलिंग बाय लेवल मशीन, ठीक है, जो उसका लेवल जो अपना लेवल मशीन होता है, ठीक है, वो लेवल मशीन से ये जो है इसका लेवल चेक करेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है कंक्रीट को जो है चालू कर सकते हैं। जो लेवल का अंडुलेशन अगर आ गया तो कंक्रीट जो है पहले ही जो अपना अपना जो अपना मेथड है वही अपना जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है स्प्रेड करने के लिए भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं। तो और एक चीज़ जो आप लोग और एक चीज़ जो आपको जो है ये रखता पड़ेगा ध्यान रखना पड़ेगा कि
इसका जो वर्केबिलिटी हम लोग रखेंगे कितना, 45 to 50 में, क्योंकि 45 से 50 रखेंगे तो हम लोग इसको जो है आसानी से जो है कर सकेंगे। इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अपना कंक्रीट के अंदर जो पानी का जो अपना वाटर कंटेंट है उसका जो, ठीक है, पानी का जो अपना भाग है वो क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। उससे क्या होगा, कंक्रीट का स्ट्रेन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका। इसका ये चीज़ जो है ये देख लीजिएगा, हम लोग जो अभी जो बात कर रहे थे कि चैनल वाइब्रेटर, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डबल बीम चैनल और वाइब्रेटर, मतलब इससे जो है कंक्रीट का जो है वाइब्रेट भी जो है आ जाता है, और दूसरा जो है इसका जो है लेवल भी अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग तो आगे बढ़ते हैं इसको लेके। उसका जो इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो आएगा डीवाटरिंग। डीवाटरिंग मतलब क्या है, डीवाटरिंग अपना आफ्टर स्टार्टिंग इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट देन डीवाटरिंग स्टार्ट, मतलब कंक्रीट का इनिश कंक्रीट अपना मान लीजिए पोर हो गया, पोरिंग के बाद जो अपना 30 मिनट्स का जो अपना इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है जो अपना सीमेंट का, वो उसके बाद हम लोग जब कंक्रीट जो सेट होना जो है चालू करेगा उस समय हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट के ऊपर कुछ जो है मैट बिछा देंगे। मैट मतलब कुछ नेट होता है, ठीक है, उसके बाद जो अपना गनी बैग्स होता है ऐसा जो है चीज़ जो हम लोग उसके ऊपर जो है रख देंगे। कुछ कुछ जगह पे जो है पॉलीथीन सील भी यूज किया जाता है, ठीक है। मैं अगर जूम करके जो है तो आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा रहता है इसका डी वाटरिंग, यही जो चीज़ है इसके लिए इसको डी जो वैक्यूम डी वाटरिंग फ्लोरिंग जो है बोला जाता है। ये मान लीजिए आपका कंक्रीट सरफेस है, इसके ऊपर जो है एक चादर बिछाया गया है, और चादर के ऊपर क्या है वैक्यूम पाइप लगाया गया है। वैक्यूम पाइप से ये जो है पानी जो है बाहर निकल रहा है। पानी बाहर निकालने से क्या होता है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाता है। ये चीज़ मैं जो आपको डिटेल में जो समझाने वाला हूँ आगे में अभी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस आप लोग जो है देख लीजिए अच्छे से, यही प्रोसेस से हम लोग जो है इसको डीवाटरिंग करते हैं, ठीक है। कंक्रीट अपना पोर होने का आधा घंटे बाद हम लोग जो है डीवाटरिंग जो है चालू कर सकते हैं, और कितना टाइम तक उसको हम लोग डीवाटरिंग करेंगे उसका भी जो है एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर डीवाटरिंग ऑफ कंक्रीट यूज बॉटम मैट फिल्टर मैट, वैक्यूम इज क्रिएटेड फ्रॉम टॉप कवर। मैं जो है यहाँ पे जो मैं क्या किया है, हर एक टॉपिक को जो है शॉर्टकट में जो लिखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब ज़्यादा कुछ आपको अगर मतलब दिखा देंगे तो उसमें क्या हो, कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग, तो ठीक है। तो अभी मैं चीज़ जो अभी आपको जो मतलब बोल रहा था, कुछ ऊपर जो है चद्दर जैसा कुछ मतलब हम लोग ये करते, ठीक है, रखते हैं उसके लिए, तो उसको बॉटम मैट भी जो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, फिल्टर मैट भी हम लोग उसको जो बोलते हैं। और वैक्यूम जो ये आप, मैं अगर इसको जूम करके दिखाऊंगा तो आप लोग समझ सकते हैं, ये देखिए ये जो पाइप है इस पाइप से जो जो है अपना पानी जो है जा रहा है इस चादर के ऊपर जो अपना तो वाटर कंटेंट जो है लग जा रहा है, वही वाटर कंटेंट को वो जो क्या कर रहा है बाहर निकाल दे रहा है। इससे क्या होता है, कंक्रीट के अंदर 15 से 20% वाटर कंटेंट जो है डिक्रीज हो जाता है, और वाटर कंटेंट डिक्रीज मतलब वर्केबिलिटी कम हो जाता है, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाता है, उसका जो है परमेबिलिटी जो है कम हो जाता है, और श्रिंकेज जो है उसका बहुत कम हो जाता है। अल्टीमेट कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है वो जो है अपना इंक्रीज करता है, ठीक है, यही अच्छा ठीक। उसके बाद हम लोग जो है हम लोग देखेंगे क्या डीवाटरिंग टाइम जो है ये बहुत जो है इंटरव्यू में बहुत पल, अगर आप मान लीजिए अपने CV में अगर आपने जो है लिखा है कि मैंने VDF का काम किया है तो एक क्वेश्चन तो आपको मान लीजिए मिलेगा ही मिलेगा कि डीवाटरिंग टाइम कितना लगता है उसमें। तो उसका डीवाटरिंग टाइम अप्रॉक्स 1.5 मिनट्स to 2 मिनट्स पर सेंटीमीटर ऑफ फ्लोर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपका 150 mm का जो है आपका पेवमेंट का थिकनेस है, मतलब RCC उतना हो रहा है 150 mm, ठीक है, VDF का, तो 150 mm का अगर सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1.5 मिनट्स to 2 मिनट्स पर सेंटीमीटर, हम लोग इसको दो पकड़ के चलते हैं तो 15 into 2 इजिकल टू 30। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल के हिसाब से 150 mm जो है अपना थिकनेस के लिए मैक्सिमम 30 मिनट हम लोग टाइम लगाएंगे, ठीक है, डीवाटरिंग का, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं, ठीक है।
एडवांटेज ऑफ डिओड्रिंग, ये जो हम लोग जो डिओड्रिंग कर रहे हैं इसके एडवांटेज क्या है। टोटली इसका जो एडवांटेज ये है कि डिओड्रिंग प्रोसेस रिड्यूस द वाटर कंटेंट इन कंक्रीट बाय 20%। इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कि ये जो डिओड्रिंग कर रहा है, ये डिओड्रिंग करने के बाद जो वाटर कंटेंट आपका जो निकल रहा है, ठीक है, 20% निकल रहा है। इससे क्या होता है, मेंबर कॉम्प्रेस अबाउट 2%। मेंबर जो आपका जो ये जो अपना कॉम्प्रेस का मतलब क्या है, कॉम्प्रेसिव फोर्स का मतलब आप लोग को अगर ना ही पता है तो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर दो तरफ से अगर फोर्स लग रहा है और जो है और जो मतलब एक अपना मान लीजिए मेंबर के ऊपर जो अपना जो है फोर्स लग रहा है और वो फोर्स जो है एक दूसरे का एकदम तो अपोजिट है, ठीक है, इस तरफ से भी एक फोर्स लग रहा है, एक तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा अगर वो मटेरियल अगर मान लीजिए अपना प्लास्टिसिटी होगा, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल होगा, तो वो क्या होगा एक जगह पे उसको जो है उसको लेके आ जाएगा, ठीक है, उसका जो है डिफॉर्मेशन कर देगा। तो वही बोल रहा है कि मेंबर गेट्स कॉम्प्रेस अबाउट 2%। अभी 2% का मतलब क्या हुआ, अगर 100 का अगर हो, ठीक है, 100 mm का अगर थिकनेस हो तो उसका 20 mm जो उसका जो है 20 mm जो है कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिखा है, 20 mm नहीं, अगर अगर 2% हो तो क्या 2 mm कम हो जाएगा, ठीक है। थ्रू द वैक्यूम ट्रीटमेंट इट्स पॉसिबल टू रिड्यूस श्रिंकेज, इंक्रीज वाटर रेसिस्टेंट, वाटर पर्मियबिलिटी। ये जो मैं अभी अभी कुछ देर पहले आपको जो मैं पहले समझाया था कि इसका पानी अगर मान लीजिए उस पानी अगर उससे मान लीजिए निकल जाएगा तो पानी निकल जाएगा तो उसके अंदर जो है वॉइड जो है बहुत कम रह जाएगा, वॉइड अगर मान लीजिए कम रह जाएगा तो उसका वाटर रेसिस्टेंट जो है बहुत जो है इंक्रीज़ करेगा और वाटर पर्मियबिलिटी भी जो है इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सरफेस क्लीनिंग एंड पॉलिश। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग अभी कहाँ तक थे, हम लोग अभी थे कि उसको जो है हम लोग चैनल वाइब्रेटर से हम लोग जो है चैलेंज कर रहे थे, चैनल वाइब्रेटर से उसका जो अपना लेवल था, लेवल को हम लोग जो है एक लेवल में जो है लेके आ रहे थे। उसके बाद हम लोग क्या किया, सरफेस को जो है क्लीनिंग किया, कंक्रीट का जो सरफेस है वो हम लोग क्लीनिंग किया, कब किया, तकरीबन दो तीन घंटा के बाद जब जब देखेंगे कि कंक्रीट धीरे धीरे जो सेट होने लग रहा है तभी हम लोग उसी समय क्या करेंगे, कंक्रीट में जो है हार्डनर मिला के, हार्डनर क्या होता है मैं आपको आपको जो है समझा दूंगा कुछ देर बाद, तो उसमें जो है हम लोग जो है क्लीनिंग करते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग मशीन। ये जो मशीन देख रहे हैं आपको इसका नाम है फ्लोटिंग मशीन, यही मशीन से हम लोग जो है पॉलिश करते हैं, उसको जो है क्लीनिंग करते हैं सरफेस को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही जो मशीन आपको दिखा है उसका नाम क्या था, पावर फ्लोटिंग मशीन, ठीक है। ये पावर फ्लोटिंग मशीन का क्या काम है, आफ्टर डीवाटरिंग ऑफ कंक्रीट नेक्स्ट स्टेप पॉलिशिंग द सरफेस। हम लोग डीवाटरिंग कर दिए, डीवाटरिंग के बाद हम लोग क्या किए उस सरफेस का जो पॉलिश करना पड़ेगा और उसको जो है चिकना करना पड़ेगा और अच्छे से, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, और जो है बहुत चीज़ आप लोग को जो जानना चाहिए क्या, फ्लोटिंग मशीन जो है उसमें उसका जो अपना ब्लेड रहता है, उसका चार ब्लेड रहता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसका चार ब्लेड रहता है और उसका ब्लेड का थिकनेस कितना रहता है 2 mm, और उसके अंदर एक मोटर रहता है, उसका जो अपना कैपेसिटी रहता है वो 5 HP रहता है, और उसका डिस्क साइज मतलब वो जो जो अपना घूम रहा है डिस्क जिस मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो टोटल जो अपना डिस्क साइज रहता है वो रहता है 900 mm, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फ्लोटिंग हार्डनर इज यूज फॉर इजी वर्क विद कंक्रीट सर्फेस टू फ्लोटिंग ब्लेड। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग हार्डनर हम लोग जो मतलब जो यूज करते हैं उससे क्या होता है, जो फ्लोटिंग ब्लेड रहता है, ये जो आपका फ्लोटिंग ब्लेड है ना, इससे जो है उसका कंक्रीट का सर्फेस को जो है ना अच्छे से उसको जो है घुमा सकता है, कोई जो अपना रेजिस्टिंग नहीं आता, ठीक है। तो हार्डनर हम लोग कितना मान लीजिए यूज़ करते हैं, हार्डनर एक चीज़ आप लोग जो है याद रखिएगा, पर स्क्वायर मीटर में हम लोग 3.2 kg हार्डनर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर में हम लोग 3.2 kg हार्डनर जो है यूज़ करते हैं,
ये जो चीज़ मैं आप लोगों को जो है पहले बता रहा हूँ, ये जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत चीज़ बहुत जो है इम्पोर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट कंट्रोल जॉइंट, अभी हम लोग क्या करेंगे कि उसका मान लीजिए आपका हार्डनिंग हो गया, ठीक है, हार्डनर से जो है उसको जो हार्ड कर दिए हम लोग, जो है उसको मान लीजिए फ्लोटिंग कर दिया, अभी कंक्रीट सेट हो गया, अभी आपका पेवमेंट जो है एकदम सेट हो गया, तो सेट होने का कुछ दिन बाद देखेंगे कि उसमें जो क्रैक आ गया, क्यों, कंक्रीट का एक जो है धर्म होता है, एक जो प्रॉपर्टीज रहता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक रहता है उसका, क्या है वो जो अपना धूप रहता है, धूप धूप रहेगा, अगर बारिश रहेगा तो टेम्परेचर का अप डाउन से उसका क्या रहता है ना, वो कंक्रीट जो है मतलब अपना कभी कभी जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी कभी जो है एक्सपेंड करता है, इसलिए क्या होता है उसका उसके अंदर जो है क्रैक आ जाता है। तो आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जो कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कॉन्स्टेंटली विथ चेंज इन द टेम्परेचर ड्यू टू क्रैक ऑन कंक्रीट सरफेस, कंट्रोल क्रैकिंग कैन कॉज ऑन अनइवन सरफेस व्हिच इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज वाटर सीपेज, डिक्रीज स्ट्रेंथ परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, इन दिस केस वी यूज कंट्रोल जॉइंट इन पेवमेंट। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये है कि ये जो आपका कंक्रीट का आपको मान लीजिए क्रैक, इसको अगर बंद करना है तो इसको बंद करने के लिए एक ही उपाय है, हम लोग कंट्रोल जॉइंट उसका जो है यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल जॉइंट एक्चुअली क्या होता है, ये चीज़ क्या है, ये जो आप देखिए अच्छे से, एक आदमी क्या है एक मशीन लेके जो खड़ा है, इसके अंदर एक जो डायमंड ब्लेड है, इससे क्या कर रहे हैं, जो पेवमेंट हम लोग कास्ट किए, जो वीडीएफ पेवमेंट वीडीएफ फ्लोरिंग, तो उसको हम लोग जो है काट रहे हैं, ठीक है, बीच से, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये जो आपका है ना, ये जो व्हील है इसको डायमंड जो है, इसका नाम जो है डायमंड व्हील, क्योंकि इसका जो है शेप बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, और ये आदमी जो है काट रहा है इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल जॉइंट। ये जो कंट्रोल जॉइंट है यही एक्चुअली कंट्रोल जॉइंट है। ग्रूव कटिंग इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट क्रैकिंग इन कॉन्क्रीट, ये जो इसका ये जो कटिंग कर रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रूव कटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रूव कटिंग, ठीक है। अभी ग्रूव कटिंग का क्या बहुत जो है नियम होता है, उसमें क्या होता है देखिए आप लोग, प्रोवाइड ग्रूव कटिंग साइज 5 mm वाइड एंड 1/3 थिकनेस ऑफ द पेवमेंट एज पर स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग जो ग्रूव कटिंग करेंगे, मान लीजिए आपका पेवमेंट है, ये जो है ग्रूव कटिंग किया है, ये जो इसका विड्थ होगा, इसको बोलते हैं विड्थ, ये 5 mm मैक्सिमम, ठीक है, और इसका जो डेप्थ होगा ये कितना होगा, आपका पेवमेंट का जो आपका पेवमेंट का मान लीजिए थिकनेस है 150 mm, तो उसका 1/3 कितना होगा, 50 mm, तो 50 mm मैक्सिमम, पर 50 mm उतना जो है नहीं ले, मतलब ये क्या इसके ऊपर जो है ना डिपेंड करता है, क्या उसका स्ट्रक्चरल जो है एनालिसिस कैसा हुआ है, ठीक है, उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, ये एज पर ड्राइंग हम लोग करते हैं, फिर भी आप लोग को जो है मालूम होना चाहिए मैक्सिमम कितना रखना चाहिए, तो 1/3 जो है रखना चाहिए, क्या अपना पेवमेंट का थिकनेस के ऊपर जो है 1/3 उसको जो है रखना चाहिए। आफ्टर कंक्रीट सेट 48 आवर्स लेटर ग्रूव कटिंग कैन बी स्टार्ट, ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, आपका कंक्रीट हो गया, कंक्रीट एकदम सेट हो गया, हार्ड हो गया, उसका 2 दिन बाद, एक दिन मतलब 24 घंटा, 2 दिन मतलब 48 घंटा, तो 48 घंटा के बाद ही हम लोग जो है उसको कटिंग जो है शुरू कर सकते हैं, नहीं तो उसका अंदर का जो मान लीजिए प्रॉपर्टीज है वो ठीक से जो है जमेगा नहीं, उससे क्या होगा, कंक्रीट हम लोग जो है अगर हम लोग मान लीजिए कटिंग हम लोग मान लीजिए कटिंग करने जाएंगे तो उल्टा जो है कंक्रीट जो है बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और एक चीज़ जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग द ग्रूव यूजिंग एयर ब्लोअर एंड फ्लीविंग विथ अप्रोप्रिएट सीलेंट, ये जो चीज़ है, आप अगर मान लीजिए आपका ग्रूव है तो ये ग्रूव कटिंग करने के बाद इसके ऊपर इसके अंदर क्या क्या है ना, ये कुछ पार्टिकल जो रह जाएंगे, ठीक है, लूज पार्टिकल जो कंक्रीट का, ठीक है, स्टोन चिप छोटा थोड़ा, ठीक है, उसको क्या है हम लोग एयर ब्लोअर से जो है साफ करेंगे, और साफ करने के बाद हम लोग अप्रोप्रिएट एक जो अपना सीलेंट होता है, एक नहीं बहुत टाइप का होता है, ठीक है, हार्ड सॉरी अपना डमर होता है, ठीक है, बिटुमिन होता है, ठीक है, एसफल्ट भी होता है, ये सब चीज़ हम लोग जो है यूज़ करते हैं उसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया।
काफ़ी एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका ये जो वीडियो अपलोडिंग के बारे में हम लोग मान लीजिए इतना कुछ जो है जाना, तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज अप टू 60%। इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज करता है 60%। क्यों? इसका जो हम लोग पहले जो है इसके बारे में जो है तालोचना किया है कि ये वीडियो फ्लोरिंग मतलब वैक्यूम डिओटरिंग है, जो डिओटरिंग कर रहा है इससे 15-20% जो आपका पानी है ये कंक्रीट के अंदर से जो निकाल ले रहा है। इसका कंक्रीट के अंदर से पानी निकालने का मतलब क्या है? उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज़ कर रहा है। कितना इंक्रीज़ कर रहा है? 60% इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, सरफेस हार्डनेस, सरफेस ये सॉरी जो है ये अपना हार्डनेस हो गया है, ये हो गया एक्चुअली हार्डनेस, सरफेस हार्डनेस जो इंक्रीज करता है। देखिए जनरली उसका जो है अपना एकदम सिंपल मेथड है, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाएगा किसी चीज़ का तो उसका वो जो क्या होगा हार्ड हो जाएगा, तो उसका जो हार्ड हो जाएगा वो डेंसिटी इज़ हाई हेंस मोर वाटर प्रोबेबिलिटी, पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो उसका डेंसिटी जो है बढ़ जाएगा, अगर डेंसिटी बढ़ गया तो उसमें क्या वॉइड जो है कम हो जाएगा, वॉइड कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा वाटर प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो क्या होता है वाटर रेजिस्टिंग जो अपना क्षमता रहता है, वाटर रेजिस्टिंग का जो प्रॉपर्टी रहता है ठीक है कंक्रीट का, वो जो है बढ़ जाता है। ये जो बहुत अच्छी चीज़ है। एक डिसएडवांटेज थोड़ा ये मतलब दो चीज़ है ठीक है दिखाना पड़ता है इसीलिए जो है थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, नहीं तो डिसएडवांटेज इसका बहुत कम ही होता है। इनिशियल कॉस्ट जो है हाई रहता है। क्यों? देखिए आप अगर मान लीजिए एक सिंपल चीज़, आप अगर पेमेंट अगर मान लीजिए आम चीज़ से करेंगे तो उसमें क्या होगा आपका इतना कुछ जो मैसेज नहीं लगेगा। एक जो आपका आ गया क्या अपना फ्लोटिंग मशीन, उसके बाद आपका चैनल वाइब्रेटर, हार्डनर ठीक है, इतना कुछ जो है लगता है। तो यही चीज़ के लिए बोल रहा है कि इनिशियल कॉस्ट उसका हाई रहता है ठीक है। और इसमें रिक्वायर्स स्किल लेवर का बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि यही चीज़ जो है कब कब मान लीजिए हम उसको उसके ऊपर जो है मान लीजिए प्लोटर घुमा सकते हैं, प्लोटर को कैसे घुमाएं ये जानना बहुत ज़रूरी है, चैनल वाइब्रेटर को कैसे मतलब यूज़ करें ये जानना ज़रूरी है, हार्डनर कितना मिला है ये भी जानना जो है ज़रूरी है, वाइब्रेटर कितना करेंगे ठीक है वाइब्रेशन कितना करेंगे ये भी जानना जरूरी, मतलब इसमें टोटल जो है स्किल लेबर ही जो है कर सकता है, कोई आम लेबर जो है नहीं कर सकता है ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ जो मैंने आपको इस यहाँ पे जो है इस स्लाइड में नहीं दिखाया वो क्या है, ये जो है ये जो आपका PDF है ये PDF फ्लोरिंग कहाँ यूज़ करता है ये मैं इतना कुछ में नहीं दिखाया, ये मेरा ही जो पता गलती किया है, एक जगह जो दिखाना चाहिए था। तो ये जो PDF फ्लोरिंग है ये नेचुरली यूज़ होता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है उसका फैक्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा अगर मान लीजिए फैक्ट्री में उसमें उसका जो है ना अपना मशीन रहता है ठीक है बहुत बड़ा बड़ा मशीन रहता है, उसका लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसका कंप्रेसिवशन बहुत ज़्यादा है, हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे अच्छा कंक्रीट पेमेंट कुछ मतलब हो ही नहीं सकता ठीक है, ऑप्शन में कुछ मतलब आएगा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग जो है इंडस्ट्रियल में ए फ्लोरिंग यूज़ करते हैं ठीक है। अच्छा और अगर कुछ मतलब जानने का हो, क्योंकि PDF फ्लोरिंग बहुत बड़ा एक मतलब लेक्चर है, PDF फ्लोरिंग का लेक्चर उतना कम में जो है आएगा नहीं ठीक है। अगर अभी भी आपको जो है कुछ मान लो डाउट है, कुछ मतलब कुछ टॉपिक जो है मान लो समझ में नहीं आया ठीक है, तो मेरे को जो है कमेंट कीजिए, मतलब मेरा जितना इसके उसके बारे में जो अपना नॉलेज होगा मैं आपको जो उसके बारे में जो है इसको आपको जो है दिखाऊंगा ठीक है। तो थैंक्स फॉर टू वॉचिंग माई वीडियो इतना तक, और कम से कम मेरा जो ये वीडियो है लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो मैं प्रीतम आज के लिए जो है इतना ही वीडियो, बाय ठीक है, फिर मुलाकात होगा।